नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार भाई साहब अलग ही लेवल का ट्रेड कर रहा है। दो तरफा मार्केट है, जो ऊपर है वो ऊपर है और जो नीचे है वो नीचे है। फॉर एग्जांपल निफ्टी सुबह से ऊपर है तो ऊपर है, डे हाई लाइफ हाई बार बार लगा देता है हर आधे घंटे में। अच्छा, कमाल की बात यह, मंथली एक्सपायरी है, वन साइडेड ऊपर जा रहा है बाजार और आखिरी के डेढ़ घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी के दिन। एक सीवियर डिप आनी चाहिए तभी तो मजा आएगा, क्योंकि वन साइडेड मार्केट ऊपर जा रहा है और ये मंथली एक्सपायरी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। मंथली एक्सपायरी जानी जाती है अपनी वॉलेटिलिटी के लिए और लोगों को नुकसान देने के लिए। और नुकसान देखो लोगों को डेफिनेटली ऑलरेडी हो रहा है, नो डाउट, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। मैंने अभी अभी चेक करा, 26,100 की आज की एक्सपायरी में डेढ़ घंटा रह गया है दोस्तों, उसकी कॉल 60 प्लस ट्रेड कर रही है और अभी आपका निफ्टी कहां है, 26,090 पे। यानी आखिरी के डेढ़ घंटे में 60 रुपए का पूरा टोटल प्रीमियम ही प्रीमियम है और उस कॉल में जो बायर है वो मोर देन 5,70,00,000 बैठे हुए हैं। तो ये अलग लेवल का डेटा निकल के आ रहा है इस बार, यानी कि सिंपल शॉर्टेड डेटा है इस बार। वन साइडेड तेजी जिसने करी है वो पैसा बना रहा है, लेकिन प्रीमियम इतने हाई है कि प्रीमियम की वजह से वो पैसा छोड़ के जा रहा है, प्रीमियम नहीं बनाने दे। अब आप देखो यहां से निफ्टी आपका 80 पॉइंट बढ़ गया तो वो थोड़ी देर के लिए तो उछाल आएगा, लेकिन एट द एंड उसे जीरो ही होना है, उसकी वैल्यू तो 160 के ऊपर बढ़ेगी ना। तो मेरे को लगता है बहुत हाई प्रीमियम से मार्केट में, मार्केट बहुत स्मार्ट हो गया है, बहुत गंदी तरीके से नुकसान दे रहा है। कॉल राइटर्स को पहले ही पीट चुका है, कॉल बायर से हैवी प्रीमियम ले रहा है, पुट बायर कोई खड़ा नहीं है इस समय, इनफैक्ट पुट की सेलिंग करने वाले भी बहुत कम है। जो काम हो रहा है वो कॉल में ही हो रहा है, कॉल सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और कॉल बायर्स प्रीमियम देकर कहीं ना कहीं पैसा बना रहे हैं तो गवा भी रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो वेदांता भाई साहब क्या रैली कर रहा है। पहले तो पूरा मेटल आज आपके लिए लगभग 1.7% की तेजी में है। मेटल इंडेक्स 10,000 के लेवल के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। लाइफ हाई से मात्र 2% नीचे है, मेरे को लगता है मेटल इंडेक्स लाइफ हाई लगा देगा। और वेदांता का शेयर आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है भाई साहब, 502 हो गए, मुबारक हो आप सभी को। 440 रुपए पे QIP हुआ था दोस्तों, 8,000 करोड़ का QIP था। कंपनी ने तो 8,000 मांगे लेकिन आए 24,000 करोड़ से ज्यादा। और मैंने आपसे कहा था ये मौका है पैसा लगाने का, दबा के लगाइए, QIP में नहीं, कैश ओपन मार्केट में पैसा लगाइए। 440 सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ब्रेक करा क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी हद से ज्यादा हो गई थी, 420 रुपए तक आया। आपके साथ कंटिन्यू खड़े रहे कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, मतलब ही नहीं बनता बिना बात के SL कटवाने का, एक्यूमलेट करो, खरीदो और बैठे रहो। उसके बाद 20 रुपए प्रति शेयर डिविडेंट आया, 501 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 521 रुपए हो चुका है एक तरीके से। दूसरी बात, कंपनी ने कल अनाउंसमेंट करी है कि 8 अक्टूबर को अगेन बोर्ड मीटिंग है 4th इंटरम डिविडेंड को लेकर। तो भाई साहब डिविडेंड का बादशाह वापस से फॉर्म में है और डिविडेंड की बौछार कर रहा है। अभी रिसेंटली 20 रुपए का डिविडेंड और फिर से बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, हालांकि इस बार कितना डिविडेंड आएगा देखना होगा, बट वेदांता का स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो कंटिन्यू हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कल लगभग 2.5 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए और आज अभी तक 3.25 करोड़ शेयर ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो वेदांता में बहुत अच्छा रनअप आया है, लेकिन मेटल इंडेक्स भी ऊपर है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचो या ये, क्योंकि चाइना में जो चीजें चल रही हैं वो काफी फेवरेबल है मेटल्स के लिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप ट्रेल करते चलिए इन स्टॉक्स में, वन साइडेड तेजी बनी है तो स्टॉप लॉस नियर बाय तो बनेगा नहीं, 480 वेदांता में रख लीजिए आप SL और स्टॉक को कैरी कीजिए। इसी प्रकार जहां सस्टेन करे और फिर फ्रेश तेजी आए, जो सस्टेन का लेवल हो उसका आप स्टॉप लॉस लगाइए, प्रीवियस स्विंग लो का लगाइए और कैरी करो। दो चीजें आपके फेवर में है, एक तो कंपनी का खुद का चार्ट पैटर्न, दूसरा सेक्टर और तीसरा कंपनी की बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, तो उसके चलते भी कुछ बाइंग आ सकती है। तो मेरे को लगता है वेदांता बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, फ्रेश एंट्री के लिए तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं आपसे कहूंगी भैया लगा दो पैसा, लेकिन मैं अपने व्यूअर से ये जरूर कहूंगा कि आपने बहुत अच्छे भाव पे लिया हमारे कहने से, आपने कहने से जैसे भी अभी ये स्टॉक चल रहा है, एंजॉय जरूर कीजिएगा राइड को और प्रॉफिट जल्दबाजी में बुक मत कीजिएगा। आप ये देखो केवल स्टॉक नहीं चल रहा, आपका सेक्टर चल रहा है पूरा, और जब सेक्टर में ही दीजिए तो फिर किस बात की टेंशन है। तो ये तो हो गई दोस्तों वेदांता के ऊपर बात। अभी निफ्टी पे एक बार और इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो बताना चाहूंगा एक मिनट, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सीधे पोस्ट मार्केट आती है, इसी वीडियो में आप फायदा ले पाओगे अगर मार्केट का कुछ ले पाओगे तो।
पहली बात तो कॉल बायर जो है वो प्रीमियम हैवी पे कर रहा है, वो वैसे ही ट्रैप है बेचारा एक तरीके से। दूसरी बात, अगर मार्केट में कोई डिप 26,020 के करीब की आए तो आप 3 अक्टूबर की कॉल खरीद लेना, आज की मत लेना। आज तो प्रीमियम ऐसे छप्पर फाड़ है ना कि जेब में से पैसा लग ही जाएगा। अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाली आप कहीं ना कहीं कॉल खरीदना, हो सकता है वो 26,050 की लो या 26,000 की लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन 26,020 या 26,000 के आसपास कोई डिप आती है अभी यहाँ से कुछ मिनटों में, तो आप वहाँ फोकस कीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिप इसलिए आएगी क्योंकि वो ट्रैप करेगी। जो सारे के सारे तुर्रम का कॉल खरीद के बैठ गए हैं ना आज की, ठीक है, उनको एक डिप देगी और एसएल काट देगी और फिर वो ऊपर आ जाएगी, और वो डिप का आप फायदा उठाइएगा। अब देखो ये चीजें होती हैं नहीं होती हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हुई तो डेफिनेटली आपको पैसा बना के दे जाएंगी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।